हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करवाऊंगा डीएलएफ का जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 77 के अंदर, उसकी जो मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा। तो ये देखिए, ये इनकी साइट है डीएलएफ की, ये जो आपकी बाउंड्री की हुई है। पहले ये प्रोजेक्ट लाए थे काफ़ी पहले और फिर उन्होंने स्क्रैप कर दिया था, और अब ये क्योंकि सेक्टर 76 77 के अंदर इनकी 125 एकड़ के करीब लैंड है और फर्स्ट फेज़ में 28 एकड़ के अंदर अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये जो मेन 60 मीटर रोड है जहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से मेन इनका जो एंट्री रहेगी, और ये जो है सामने स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी है जहाँ पे एमथेम स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी है, जहाँ पे ये गोल्फ एस्टेट की डील्स करते हैं, और ये सीधा रोड जाता है आपका एसपीआर। 2 मिनट के डिस्टेंस पर मेन एसपीआर रोड आता है, और ये सामने आप देख पा रहे हो कि डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन है और ये प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके बाद आप क्लोवरलीफ भी जा सकते हो, और यहाँ से सीधा रास्ता विद इन 2 मिनट आप चले जाओगे NH8। सामने आप देख पा रहे होगे हयात रेजिडेंसी भी है आपकी, और ये मेन चौक है, और यहाँ से आप सीधा चले जाओगे एमथेम गोल्फ एस्टेट मैप्सको माउंट विले सेक्टर 79। ये सीधी रोड आपकी जो है 5 टू 8 मिनट के डिस्टेंस पे एमथेम गोल्फ एस्टेट एमथेम एंटालिया गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल 79B में, जो आपके लो राइज के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सो यहाँ पे ब्लैक टॉप है, आगे ब्लैक टॉप होना बाकी है, और सामने आपका ये अरावली का व्यू है। ये कंप्लीट साइट आ जाती है इनकी, फर्स्ट फेज में अराउंड 28 एकड़ के अंदर ला रहे हैं। सामने जो आप देख पा रहे हो वो न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट है, और जो फ्रंट में आप देख पा रहे हो ये MR का प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव फैमिलीज आर लिविंग देयर, और उसके पीछे जो है आपकी न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट है। सामने हयात रेजिडेंसी है ब्लू कलर की जो आप ये देख रहे हो बिल्डिंग, ये कंप्लीट साइट है, और ये इधर रहेजा का प्रोजेक्ट है, ये इधर आपका चला जाता है SPR। सो अगर लोकेशन सेट के अगर हम बात करें तो DLF एज ए बिल्डर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिफोर इंडिपेंडेंस की कंपनी है आपकी, और दिल्ली में इन्होंने स्टार्ट किया था अपना, कुछ कॉलोनियाँ डेवलप की थी इन्होंने, मॉडल टाउन राजौरी गार्डन कृष्णा नगर 22 कॉलोनियाँ करीब डेवलप की थी, और 1985 के अंदर ये जो है गुड़गांव में आए थे, और साइबर सिटी साइबर आपके सामने ही है, DLF फेज़ 1 से फेज़ 5 बैक टू बैक डेवलपमेंट की है, और कहीं ना कहीं गुड़गांव को डेवलपमेंट करने का अगर जाता है तो इन्हीं को ही जाता है DLF को, और मार्केट लिस्टेड प्लेयर हैं आपको पता ही होगा, और DLF जो है लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है इन इंडिया, और 15 स्टेट में इनकी प्रेजेंट है, और 24 सिटीज़ के अंदर जो है इंडिया इनकी प्रेजेंस है। बाकी अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो रेरा इनका एक्सपेक्टेड है, विद इन 1 मंथ इसका रेरा एक्सपेक्टेड है जो भी पता चला है, और फेज़ 1 के अंदर जो है ये 28 एकड़ के अंदर अपना फर्स्ट फेज़ ला रहे हैं। सुपर लग्जरी फुली लोडेड आपके अपार्टमेंट है, लो राइज आपकी डेवलपमेंट है, सॉरी लो राइज नहीं है, मिड राइज आपकी डेवलपमेंट है, ग्राउंड प्लस 7 से 8 की आपकी हाइट रहेगी इसमें, और मिड राइज आपकी डेवलपमेंट है। ये साइज़ जो कहीं ना कहीं एक ही ला रहे हैं, ये 4.5 BHK 3500 से 4000 स्क्वायर फीट के बीच में आपका ये साइज़ रहने वाला है, और इसमें जो है 700 से 800 के करीब अपना फर्स्ट फेज़ में यूनिट लाने वाले हैं ये, और बाकी तो आपको DLF का पता ही है कि क्या क्वालिटी देते हैं। बाय वन कंस्ट्रक्शन है, फुली लोडेड अपार्टमेंट है, अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट के करीब क्लब हाउस लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और ये कंप्लीट आप साइट देख रहे हो। अब मैं आपको इस तरफ से साइट दिखा रहा हूँ, पहले मैं गैलरी की साइड से मैंने आपको साइट दिखाई थी, तो ये इनकी जो है कंप्लीट साइट है। बाकी एमिनिटीज़ के मामले में तो आपको पता ही है DLF क्या क्वालिटी निकाल के देता है, जो भी आपको बोलेगा उससे अच्छा ही निकाल के देगा। बाकी अभी प्री लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट है आपका ये, और ये आपकी कंप्लीट साइट है। पोजेशन टाइम, क्योंकि आपका जो है मिड राइज है तो आपका 4 ईयर का पेमेंट प्लान आपका रहेगा इसमें, और 4 ईयर के अंदर ही आपको जो है पोजेशन मिलेगा इसमें आपको। इन्वेस्टमेंट जो कहीं ना कहीं 4 CR से ऊपर अगर आपका बजट है तभी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि 4 CR से कम तो नहीं रहने वाला, अराउंड 13-14 थाउजेंड के बीच में पर स्क्वायर फीट
ये लाने वाले हैं और इनॉग्रल डिस्काउंट रहेंगे। और बाकी ईओआई के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर ही सकते हो, इसके लिए ईओआई के लिए नॉन बैंकेबल अभी आपका चेक रहेगा, और जब पूरी डिटेल डीएलएफ लेके आएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप जा भी सकते हो इस प्रोजेक्ट के साथ और अपना चेक वापस भी ले सकते हो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। नॉन बैंकेबल आपका चेक है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी साइट है, आप खुद देख पा रहे हो। मेन रोड बिल्कुल चलता हुआ मेन रोड है, इधर से NH8 और राइट साइड आप जाओगे तो SPR, और SPR पे आपको पता ही है कि MX का कैंपस भी ऑपरेशन होने वाला है, प्लस जो है DLF की लैंड है 74-75A सेक्टर के अंदर, कमर्शियल लैंड है जिसमें कहीं ना कहीं अच्छा कमर्शियल वो लेके आएगा। DLF गार्डन, DLF साइबर सिटी 2 भी एक तरह से आप इसको कह सकते हो, अच्छे खासे ऑफिस स्पेस वहाँ पे आएंगे। और कहीं ना कहीं पता चला है कि गूगल भी 15 एकड़ लैंड के अंदर 75A के अंदर अपना वो ला रहा है। और ये आपकी जो रोड सीधा जा रही है आपकी M3M गोल्फ एस्टेट, और गोदरेज 79 का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, आपका M3M इंटाले हिल्स भी है, सिग्नेचर गोदरेज 79 भी है। और ये जो सामने आपका ग्रीन व्यू है ये कहीं नहीं जाने वाला, ये आपका ग्रीन व्यू वैसे का वैसे ही रहेगा आपका। ये आप देख सकते हो रोड, बीच में आपके ग्रीन बेल्ट भी काफ़ी अच्छी ग्रीन रहे, ग्रीनरी यहाँ अच्छी रहने वाली है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिन्होंने DLF आर्बोर में मिस कर दिया था या जिन्होंने चेक भी दिया था उसके बावजूद वो मनपसंद फेसिंग वाली यूनिट नहीं ले पाए थे, क्योंकि आपको पता ही होगा जो अभी DLF आर्बोर प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 63 DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे DLF का, तो 1100 के सामने अराउंड 4000 एप्लीकेशन आए थे, ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और मेरे ख्याल से यही हाल इस प्रोजेक्ट का होने वाला है, और अगर आप वहाँ पर मिस कर गए थे तो आई थिंक ये एक और अच्छा ऑप्शन है। लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइसिंग भी आपकी ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, और इन्वेस्टमेंट सेंस भी बनती है और एंड यूज़ के सेंस तो है ही इसके अंदर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और DLF का प्रोजेक्ट है, बाकी प्री लॉन्च की बात करोगे तो MR का सेक्टर 62 में आ रहा है, उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पिरामिड का भी आपका DLF अल्मेडा के सामने आ रहा है, वो भी प्री लॉन्च के अंदर है, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और EOI के अंदर आपको बेनिफिट है ही, आपको मनपसंद फेसिंग वाली यूनिट मिलती है, इनॉग्रल बेनिफिट मिल जाते हैं, और आपके पास चांस रहता है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। सो आई थिंक जिन्होंने DLF आर्बोर में मिस किया है वो आई थिंक यहाँ पे आप लगा सकते हो, और कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट भी DLF पे और बढ़ा है, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि M3M के साथ जो है उनका जो केस चल रहा है, तो उसके बाद DLF पे और ट्रस्ट हुआ, और मेरे हिसाब से अच्छा खासा मार्केट से रिस्पॉन्स इस प्रोजेक्ट को मिलने वाला है। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, और UI के लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको साइट विजिट करना है तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी इसको लाइक करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।